हमें नहीं इंतजाम था, पता चला है कि सरदार अतीक के साथ हमारा एग्रीमेंट था कि हमारे बेस पे वो तंजीम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सब्सिडरी होगी। तो एक तो टेक्निकल इश्यूज हैं, दूसरी उन्होंने हदायत की कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अकेले ना आएँ, आप सब मिल के मेरे साथ आएँ। तो ये इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम को लेके अगले चंद दिनों में दोबारा चौधरी शुजात साहब से मिलेंगे और इन्होंने एश्योर किया है कि जो भी चौधरी शुजात साहब हुक्म देंगे वो उस पर अमल करेंगे। नहीं नहीं, एक चीज़ मैं क्लियर करूं कि ये जो इन्होंने कायदे अब अपना अतीक साहब का कोई बात की ऐसी जो सुन रहे हैं मेरी बात, ऐसा कोई चैप्टर मौजूद नहीं है। सरदार तनवीर ने पहले भी कहा था मैं रीजन के लिए पैदा नहीं हुआ था। बात सुन ले भाई, बात सुन, ये चौधरी सरवर साहब ने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, मैं एग्री नहीं करता ऐसी बात से, ना मैंने कहा था कि मैं शामिल हो रहा। चौधरी शजाद मेरे बुजुर्गों में शुमार होते, मैं जो फैसला करूंगा मैंने कहा आपकी रहनुमाई और मशावरत से करूंगा। ये गवर्नर साहब की बात से मैं इतफाक नहीं।